इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर आज पहली बार होने जा रहा है हल्क वर्सेस सुपरमैन की खतरनाक फाइट। एक तरफ पे हल्क जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बॉडी के साथ है, वहीं पर दूसरी साइड है सुपरमैन जिसके पास सुपर पावर्स जो कि अच्छे अच्छे को खत्म कर सकती है। लेकिन आखिर इन दोनों में से कौन आज जीतेगा और कौन आज मरेगा, जानने के लिए एंड तक जरूर से देखना। लिटरली गाइस सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, इसको एंड तक देखना, तो लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस ना, मैं काफी टाइम से यहाँ पर जिम करने की कोशिश करो इस वाली रनिंग मशीन पर, ट्रेडमिल मशीन जो भी इसको बोलो, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा भाई। कितनी भी मैंने ट्राई कर लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। वेल चलो यहाँ से चलते जल्दी से नीचे। एंड गाइस आज हमारा मकसद, आज हमारा मकसद होने वाला काफी ज्यादा खतरनाक। ये पहली बार होने जा रहा है भाई, लिटरली हल्क वर्सेस सुपरमैन की खतरनाक फाइट, लीजेंडरी फाइट आज हम करवाने वाले। वेल वहां से जाने से पहले ना गाइस, मैं आपसे एक चीट कोड पूछता हूं, इस निशान जीटर का चीट कोड क्या है, तो आप मेरे को कमेंट बताना गाइस, मेरे को देखना आपको पता है या फिर नहीं। वेल देखते हैं नेक्स्ट अपने को करना क्या है। तो फाइंड आइटम एंड यहाँ पर ये कुछ कोरोना वायरस है क्या भाई, ये वायरस जैसा कुछ तो यहाँ पर बॉल टाइप की थी जो कि कांटों से भरी कुछ बॉल है, तो उसको लाना है अपने को। एंड गाइस आपने वो लोकेशन देखी, कौन सी लोकेशन थी? वेल उस लोकेशन पे मैं आपको जल्दी से लेकर जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो इसमें होने क्या वाला, कैसे हम फाइट करवाएंगे। ओके तो फाइट करवाना, ऐसा नहीं कि हम उसको बोलेंगे या फिर कॉल वॉल कर देंगे, भाई आ जाए यहाँ पर लपड़ा पहुँचूंगा फाइट कर ले, ऐसा नहीं होगा भाई। उसको फाइट करवाने के लिए दोनों को अपने को स्पॉन करना पड़ेगा, उन दोनों को अपने को ग्रो करना, मतलब ग्रो नहीं स्पॉन करना पड़ेगा। इन स्पॉन करने के बाद वो दोनों आपस में फाइट करेंगे, लेकिन जितना ईजी कहने में लग रहा है उतना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टली होने वाला है, क्योंकि उनको स्पॉन करने के लिए अपने को काफ़ी सारे चैलेंजेस को पार करना पड़ेगा, तो ही हम उसको स्पॉन कर पाएंगे। जैसे कि अपना पहला टास्क आए यहाँ पर एक जो बॉल है उसको ढूंढना है, तो उसी टाइप से यहाँ पर तो सिर्फ एक बॉल को ढूंढने के लिए आए, लेकिन आगे अपने को काफ़ी सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाकर वो कहीं ना कहीं स्पॉन हो जाएंगे। एंड स्पॉन होने के बाद भाई फिर तो उनकी फाइट तगड़ी वाली होने वाली है। वेल गाइस इतनी भी ज़्यादा घटिया ड्राइविंग है नहीं मेरी जितनी यहाँ पर अभी मैं कर रहा हूँ भाई, इतनी ज़्यादा घटिया कैसे। वेल गाइस आपने ये यहाँ पर जो बड़े वाले जो पाइप देखने को मिल रहे, इसी वाले पाइप के अंदर वो होने वाले, तो चलिए देखते कहाँ पर है वो। ओके गाइस यहाँ पर जो देख लूँ, ये थी वो चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर मतलब ले ली, आइटम एडेड टू इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री के अंदर एड हो चुका है आइटम। ओके पहला आइटम था यहाँ पर हमने ले लिया, अभी नेक्स्ट आइटम देखिए। इस टाइप से हमें काफ़ी, अबे यार ये गिर क्यों जाता है भाई, वेट अबे मर कैसे गया भाई, इतनी फुल हेल्थ थी, जस्ट सिर टकराने से यार अलग ही नशे। कोई बात नहीं भाई नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। एंड यहाँ पर ये कोई तो एक पेड़ है, एंड पीछे मेरे को और भी पेड़ देखने को मिल रहे, हरी भरी जंगल, अच्छा जंगल ही है वो। ओके गाइस सो आप अपने आप जंगल के अंदर तो गए होंगे, वो जो यहाँ पर जुरासिक पार्क मिलता है उसके अंदर अपने को सेम एक ही कलर के ट्री मिलते हैं, एक ही कलर के नहीं एक ही टाइप के ट्री मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा टाइप का ट्री है, उस ट्री तक अपने को जाना है। एंड शायद वहाँ पर अपने को और कुछ नेक्स्ट, अरे यार ये गिर क्यों जाता है भाई, अबे भाई गाड़ी कहाँ तक गई, अच्छा बच चुका ये अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी देखो कहाँ पर उड़ कर गई है भाई, ये पता नहीं मरने का इसको क्या शौक है ऐसा। चलो गाइस यार मैं जाने वाला अभी जुरासिक पार्क के अंदर जहाँ पर काफ़ी सारे डायनासोर्स रहते, भाई मेरे को आइडिया नहीं भाई वो जाते अटैक नहीं करते, बस थोड़ा सा इसी बात का डर है, तो कोई बात नहीं गाइस वो। ओके मेरे को लग रहा है राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में होनी चाहिए वो, क्योंकि गाइस पीछे की साइड यहाँ पर वो स्काई उस टाइप का पीछे जो बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है इसी टाइप का बैकग्राउंड देखने को मिल रहा था। एंड लो भाई मिल चुका अपने को ये वाला ट्री, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है तो अपने को दूर से पता चल गया वैसे। एंड ये देखो सारे ट्री अलग है लेकिन ये सबसे अलग ट्री है, लेकिन यहाँ पर अलग क्या चीज़ है, यहाँ पर ट्री के अंदर तो ट्री की यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अपने को मिलने क्या वाला आखिरकार भाई, जल्दी से दे दे भाई। ओके गाइस ओ वेट अबे ये क्या चीज़ है, अबे कुछ तो बोतल मिली है मेरे को, लेकिन इसका यूज़ क्या होगा, और भाई डायनासोर ये शिट भाई भागो, वेट अबे अबे नहीं अपने को कुछ भी नहीं कर रहा है, ओ भाई ये टेम वेम हो चुका है क्या। गाइस यहाँ पर जितने भी बार हम आते मुंह हटाकर तो डायनासोर जरूर से अपने को मारते, लेकिन भाई ये तो कुछ नहीं कर रहा, मैं गन वन भी दिखा दूँ तो भी शायद कुछ नहीं करेगा। गाइस आई थिंक ये इस मैजिकल ट्री का कुछ तो शायद से ये ट्री का कुछ जादू वादू है क्या, पता नहीं यहाँ पर जैसे हमें ये अपने को कुछ भी नहीं कर रहा, अगर हम यूँ ऐसे ही आ जाते तो भाई बहुत ज़ोर से मारता है, देखो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, आई थिंक अपने टेम हो चुका है, पता नहीं भाई कुछ अलग ही इसने हो सकता है भाई, इसके अभी याददाश्त कमज़ोर, ओ या फिर ये भी हो सकता है इसने
ऑलरेडी खाना खा लिया हो, किसी इंसान को इसने दबोच लिया हो, इसकी वजह से अभी पेट फूल है तो इसलिए अपने को मार नहीं रहा है, लेकिन जैसे भूख लगी अपने को कच्चा चबा जाएगा ये, तो चलो भाई इससे पहले कि अपने को मार निकल लेते पहली फुर्सत में, पता नहीं कब उसका मूड यहाँ पर चेंज हो जाए और अपने को आकर डायरेक्ट ख़त्म कर दे। भाई अभी पीछे से बोल रहा हूँ पता नहीं, चलो भाई जल्दी से भागते एंड अभी नेक्स्ट चीज़ देखते आखिर कौन सी होगी नेक्स्ट चीज़, लेट्स गो यहाँ पर देखते। एंड ये तो कोई इंजेक्शन, अरे भाई ये डायनासोर फिर से ओके मारने तो नहीं आ रहा, ये इंजेक्शन अपने विलेज एरिया की साइड है, चलो वहाँ पर चलते हैं। लेकिन भाई यार ये डायनासोर को क्या दिक्कत है भाई, मेरी गाड़ी वहाँ तक इसने उड़ा दी भाई, शिट पता नहीं भाई अलग ही नशा ही आदमी है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर पेंडिंग लिस्ट में रख रहा अपने को, जैसे अपना इसका पेट वेट खाली हो जाएगा फिर अपने ऊपर अटैक कर देगा, और हमें लग रहा है ये अपना पेट बन चुका है, हम इससे ऐसे चले इसके साथ में, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चला हूँ, अभी जल्दी से भागता हूँ यहाँ, क्योंकि गाइज विलेज एरिया में तो मैं आ चुका हूँ। एंड आपने एक चीज़ नोटिस करी हो तो उसके पीछे ना ग्रीन हाउस दिख रहा था, सो गाइस ये जो आप गैरेज देख रहे हो इसी गैरेज के अंदर हो, क्योंकि एक ग्रीन हाउस भी दिख रहा था और रेड भी, तो यही जगह से वो दोनों दिख सकते हैं। तो अभी मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, अभी भाई एग्जिट कर ले भाई उस साइड एग्जिट, भाई क्या हरामी बंदा है भाई उस साइड एग्जिट करना यार, ये अलग ही नशीली बंदा, मेरे को इस साइड से करना पड़ेगा अभी। ओके गाइज एग्जिट कर लेना बेटा नहीं तो मारूंगा। ओके एंड ओ भाई ये देखो इंजेक्शन हमने यहाँ पर ले लिया। ओके ये भी आइटम एडिट टू इन्वेंटरी, ये भी आ चुका है, तो चलिए गाइस नेक्स्ट चीज़ भी हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली, अभी और भी कुछ तो होगा शायद से मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इतने ईजी तो वो नहीं मिलने वाला है उनको, मतलब ओ मेरे को समझ में आ रहा है गाइस, अभी नेक्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ एंड फिर आपको समझाता हूँ। ये कोई तो गोल गोल सी चीज़ें पता नहीं क्या चीज़ें, लेकिन ये हमने स्टार्टिंग में बॉल जो कलेक्ट करी थी उसी टाइप की है। तो गाइस मेरे को अभी समझ में आ चुका है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, तो मैं अभी आपको जल्दी से समझा दो आखिर चीज़ क्या है। गाइस वो जो जगह है ना वो यहाँ पर, यहाँ से रैंप पर अपने को जंप करके वहाँ पर जाना है एंड इस बिल्डिंग के जस्ट ऊपर वो चीज़ अपने को मिलने वाली, तो चलो यहाँ पर जंप लगा दिया हमने, आई होप मैं ऊपर चले जाऊँ प्लीज़। ओ अबे भाई गाड़ी, अबे गाड़ी हम दीवार के ऊपर चला रहे भाई, ये तो सुपर बाइक से भी सुपर डुपर बाइक है भाई, फ्लाइंग बाइक हो चुकी है, देखो भाई प्रॉपर हम पूरी हवा में उड़ा रहे बाइक को, लेकिन और को आगे जाना थोड़ा सा आगे झुक जा भाई थोड़ा सा चले जा, लेकिन ये नीचे आएगा शिट भाई, इसको फिर से रिट्राई करना पड़ेगा। वेल गाइस एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं, तो मैं क्या बता रहा हूँ तो आपको, तो भाई सब मैं जो आपको बता रहा था ये चीज़ है ना, ये अपने को इंजेक्शन मिले एंड ये इंजेक्शन वगैरह सब कुछ मिल चुका, ये ना एक एक अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे सुपर जो मेन है उसकी कुछ चीज़ें इनमें से हम कलेक्ट करें एंड कुछ हल्क की चीज़ें, तो ये सभी चीज़ों मिलकर एक पूरा दो बॉडी बनाएंगे, एक हल्क की और एक सुपरमैन की, और फिर उनको हम स्पॉन कर पाएंगे, तो ये इसी टाइप के इसीलिए अपने को कलेक्ट करना पड़े। इस बार आई होप मैं चले जाऊँ, चला गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लो भाई, आ चुके हैं यहाँ पर एंड चलिए बस बस भाई नीचे नहीं चला जाओ फिर से, तो चलिए गाइस अभी चलते हैं। एंड वो जो पीछे बिल्डिंग देखने को मिल रही थी अपने को बड़ी वाली, एंड बड़ी वाली बिल्डिंग जो आपको देखने को मिल रही ये यहाँ पर है, तो कलेक्ट करते हैं। एंड ओके गाइस यहाँ पर देखिए ये स्टार टाइप का कुछ पता नहीं क्या चीज़ क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। वेल गाइस ये भी अपने आइटम इन्वेंट्री में एड हो चुका है, तो चलिए गाइस अभी ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा और भी कुछ बाकी है यहाँ पर। अंडे, अभी इन अंडों का क्या यूज़ है भाई, ये तो जोरासी पार्क के अंदर फिर से जाना पड़ेगा अपने को। तो गाइस चलते हैं जल्दी से जुरासिक पार्क के अंदर एंड मेरे को लग रहा है ये लास्ट थिंग होने वाली, फिर अपनी मिस्ट्री सोल्व हो जाएगी, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रही इतनी चीज़ें ये कौन सी है, जैसे कि अभी अपने को कुछ अपने को सुपरमैन स्पॉन करना है तो उससे रिलेटेड कौन सी है, या फिर हल्क से रिलेटेड कौन सी है, हमने तीन चार चीज़ें ऑलरेडी कलेक्ट कर ली, अब कौन सी से क्या कुछ होगा ये मेरे को नहीं पता। एंड हमें बोतल मिली थी और इंजेक्शन मिला, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वैसा अगर हो गया तो भाई फिर तो मैं आइंस्टाइन हूँ भाई, खतरनाक वाला। वेल गाइस पहले मैं वहाँ पर चलता हूँ, सो गाइस मैं जंगल के अंदर मैंने इस साइड की पीछे की जो साइड थी वहाँ पर ढूंढ लिया, लेकिन मेरे को अंडे मिले नहीं एंड मैं यहाँ पर आगे आ चुका हूँ, अंडे मिल जाए बस वो डायनासोर ना मिलने चाहिए, नहीं तो भाई अभी वो कच्चा चबा जाएगा, उस टाइम हाँ उसने छोड़ दिया था लेकिन अभी नहीं छोड़ेगा भाई। ओ ये गाइस यहाँ पर देखिए ये मिल चुके हैं अपने को अंडे, तो लेट्स गो इनको जल्दी से अभी हम लेते कलेक्ट करते हैं एंड इनको कलेक्ट ही करना है क्या, कलेक्ट करना होता तो भाई ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में ऐड हो जाता है, इनको ब्लास्ट करना है क्या भाई, मैं ब्लास्ट करने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा यहाँ से कुछ तो। ओ वेट, अच्छा गाइस यहाँ पर कुछ तो होने वाला है, ओके ये ऊपर जा रहा है एंड इसके नीचे से वेट, अबे ये बोतल, एक बोतल ही है क्या ये, और एक इंजेक्शन जो कि हमने कलेक्ट करा था तो वो सेम इंजेक्शन है, लेकिन गाइस ये बोतल देखिए ये पत्तियों की बोतल है क्या, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये बोतल भी है या फिर नहीं, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंट है लेकिन पत्तियां लगा रखी है आसपास। भाई ये क्या चीज़ हो सकती है, समझ नहीं आ रहा। पहले जो भी हो पहले इसको कलेक्ट कर लेते जल्दी से, तो इसको कलेक्ट कर लेंगे तो अपनी इन्वेंट्री में ऐड हो जाए। चल भाई कैसे कलेक्ट होगा भाई। ओके कलेक्ट तो हमने इन्वेंट्री में ऐड कर लिया इसको। एंड गाइस मेरे को पूरा समझ में आ चुका है गाइस ने इसकी पूरी स्टोरी। भाई डायनासोर उस साइड जल्दी से निकलते, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्या चीज़ है। सो गाइस यहाँ से अपने को फाइनल अपना जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है अपने को। यहाँ पर अपने को इंजेक्शन मिला और एक दवाई, तो ये दवाई अपने इंजेक्शन के अंदर ऐड हो चुकी है और ये इंजेक्शन बन चुका अपनी गन के अंदर। ओ वह यार ये गिर क्यों जाता, मेरे को सही से एक्सप्लेन तक नहीं करने देता। वेल गाइस मैं क्या बता रहा हूँ, ये इंजेक्शन बन चुका अपना एज ए गन, यानी अपनी पिस्टल उसके अंदर इसकी पावर आ चुकी है। अभी हम पिस्टल से किसी बंदे को शूट करेंगे तो उनमें से एक बंदा बनेगा सुपरमैन, एक बनेगा हल्क। यस गाइस इतना ज़्यादा तगड़ा पावरफुल वेपन अपने पास है, लाइक कि हम अभी किसी भी बंदे को, नॉर्मल जो NPC घूमते हैं इनमें से किसी को, एक को हम सुपरमैन बना सकते हैं एंड एक को हल्क बना सकते हैं। इतनी पावर आ चुकी है भाई, अभी मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है। तो चले गए अभी ना मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपने घर की साइड, क्योंकि गाइस ये ड्रामा देखने में अपने घर से पूरा देखेंगे चिल मार कर, तो मस्त रहेगा ना। तो चलो गाइस यहाँ पर चलते एयरपोर्ट पर देखेंगे भाई। एंड गाइस मेरे को ये तो समझ में आ चुका है, लेकिन क्या इस गन से अगर मैं किसी को मार दूँ डायरेक्टली शूट करूँ डायरेक्ट, वो तो नहीं बन जाएगा भाई। नहीं तो भाई यहाँ से मेरे को नहीं देखना भाई, पूरा मस्त सीन होना चाहिए। तो यहाँ पर लड़कियाँ घूम रही, लड़कियों पर भी ये यूज़ होगा या फिर नहीं, तो चलो गाइस यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो एक लड़की इस पर ट्राई करते हैं एंड लेट्स गो यहाँ पर। ओ भाई कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है भाई, इसमें तो कुछ भी डिफरेंट तो नहीं हुआ ऐसा। एंड एक लड़कियों को मार दिया, दो लोंडो को, मतलब एक लड़की और एक लड़कियों को यहाँ पर हमने हेड शॉट लगा दिया। वैसे मरे नहीं इनके, जस्ट डैमेज पहुँचाए। एंड अभी अपने जस्ट पीछे पीछे आने वाले। एंड गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है इसके रिएक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगे, या फिर 1 से 2 मिनट शायद लग सकते, जितने में वो प्रोसेस करेगी वो दवा इनके अंदर गोले मिलेंगी तब तक इनके पास टाइम है ये बच सकते। उसके बाद तो भाई एक बनने वाला है हल्क, एक बनने वाला है सुपरमैन, भाई मज़ा आने वाला है भाई लिटरली। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो गाइस आप किस साइड हो मेरे को कमेंट बताना, हल्क की साइड या फिर सुपरमैन की साइड, जिसकी भी साइड हो आप कमेंट कर देना हल्क ओपी या फिर सुपरमैन ओपी। एंड गाइस ने ये ऑटोमेटिक मर चुके, इसका मतलब गाइस समझे आप ये लड़की क्या कर रही है भाई, किस पोज में मरी है। गाइस मेरे को लग रहा है अभी ये बनने वाला है, अभी हल्क एक बनने वाला, हल्क एक बनने वाला सुपरमैन। गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। लेट्स सी गाइस क्या होता है अभी। भाई भाई मैं कैसे मर गया भाई, ये क्या इसके में भाई, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर गेम एंड हो जाए भाई, अलग ही सीन है। ओ गाइस फाइनली गाइस यहाँ पर देखो पुशअप्स वगैरह चल रहे हैं एंड दोनों फुल रेडी हो चुके सुपरमैन वर्सेस हल्क। भाई अबे गाइस हमने जो चीज़ें कलेक्ट करी थी वो इनके वेपन है, आपने देखा ये देखो इसने त्रिशूल निकाल को मारो भाई, एक से त्रिशूल लिए, कितना ज़्यादा खतरनाक हल्क। एंड दोनों ने खतरनाक कुछ तो वेपन निकाला। एंड भाई ये बवंडर निकाल दिया भाई टोर्नेडो, एंड इससे तो भाई सुपरमैन क्या मर चुका है क्या। एक सेकंड भाई उठ क्यों नहीं रहा, ये लगता है भाई मर गया और वो हंस भी रहा है ऊपर से, वो देखो हल्क भाई खतरनाक तरीके से हंस रहा है। नहीं भाई ये नहीं हो सकता। गाइस आप वीडियो को लाइक करो, अगर आप सुपरमैन की साइड हो तो वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो, और अगर हल्के की साइड हो तो हल्क ओपी कमेंट कर दो। एंड आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि उठ जाए भाई प्लीज़ यार, मैं तो सुपरमैन की साइड। ओके गाइस यार फाइनली उठ चुका सुपरमैन, क्या ही ज़्यादा खतरनाक ओपन चैलेंज दे रहा है भाई बंदा, काट डालूंगा ऐसा इसको बोला मैंने, इसका कहने का मतलब भाई क्या टेक किया इसने खतरनाक। एंड गाइस एक ही पंच में, सुपर पंच में यहाँ पर ढेर हो चुका है। एंड भाई आखिरकार गाइस सुपरमैन की यहाँ पर जीत हो चुकी है, एंड मस्त कुर्सी पर बैठ चुका है भाई साहब। एंड यहाँ पर देखो हल्क यहाँ पर ढेर हो चुका, अभी उठेगा तो नहीं है, नहीं गाइस ये हो चुका है डन भाई, लिटरली मज़ा आ गया भाई। ऐसा वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पर देखोगे इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री के अंदर, तो इसलिए आपको नेक्स्ट और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते, कुछ बातचीत करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी खतरनाक वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।